अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय राजेश यादव सर, बीजेपी जिला अध्यक्ष महोदय राजेश खंडेलवाल सर, बीजेपी महामंत्री श्री पंकज वर्मा सर, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। राम जी का स्वागत करने के लिए पूरा भारत ललायित है 22 जनवरी, क्योंकि जब राम जी 14 वर्ष के वनवास से आए थे, स्थान पर बैठाया। राम जी ने हमेशा अपने जीवन में शोषितों की मदद की, कमजोरों की मदद की, कमजोरों का कल्याण किया। वो भी शोषित वर्ग से आती थी, कमजोर वर्ग से आती थी। राम जी ने उनके आश्रम पे पहुंचकर उनके जूठे भेरों को ग्रहण किया और उन्हें राज्य की सीमाओं से बाहर फेंक दिया था। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता करी और उस शोषित वर्ग के व्यक्ति को, उस कमजोर वर्ग के व्यक्ति को फिर से किष्किंधा के सिंहासन पर बैठाया। इसी प्रकार से विभीषण भी उनके जीवन में आए। उनका नाश करने के बाद सोने की लंका देखकर भी वो ललचाए नहीं, बल्कि रावण का संहार करने के बाद वास्तव में उस लंका के हकदार विभीषण थे। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राम जी जब वन में थे तो किष्किंधा में एक बहुत बड़ी घटना हुई। बाली ने अपने भाई को सुग्रीव को भगा दिया, राज्य चूर कर दिया, राजपाट से बेदखल कर दिया और सुग्रीव मारे मारे जंगल में घूम रहे थे। हनुमान जी ने उनकी मित्रता राम जी से करवाई। वो भी शोषित थे, अपने भाई से पीड़ित थे। उनके भाई राम जी के विचारों को इस देश में लागू करने वाले एक बड़े राम भक्त हैं। और 22 जनवरी के बाद जब अयोध्या के सिंहासन पर रामचंद्र भगवान विराजमान होंगे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चारों तरफ रामराज होगा और रामराज में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है। मैं आप सबको इस योजना की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राम मंदिर के निर्माण की मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 22 जनवरी के बाद आप सब अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं। आप बताएं कितने लोग अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम यहाँ पे अयोध्या मल्लारेश्वरी मंदिर में आप भी पूछ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? इस देश में 22 जनवरी 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना होने वाली है, जिस पर रामचंद्र भगवान अपने महल में अयोध्या में विराजमान होंगे। इसी दौर में प्रधानमंत्री जी द्वारा शोषित और पीड़ित वर्ग का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। ये योजना निश्चित रूप से लकड़ी का काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले, वास्तुकला का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, धातु का काम करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कारीगरी का काम करने वाले व्यक्ति को विश्वकर्मा नाम देकर इन पेशों को बहुत सम्मान की निगाह से देखा है और विश्वकर्मा बनाकर इन्हें समाज में एक बहुत ही सम्मानित स्थान प्रदान किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये योजना वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उत्थान के लिए इससे बेहतर योजना कुछ नहीं हो सकती। पीएम विश्वकर्मा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस देश में लागू करके विश्वकर्मा से जुड़े वो कारीगर, वो छोटे छोटे मजदूर जिनको तकनीकी के आधार पर प्रशिक्षण देगी सरकार, उनको मानदेय देगी, उनको टूल किट उपलब्ध कराएगी और उनको आने वाले समय में आत्मनिर्भरता के साथ उसमें योग्यता के साथ आगे कैसे आधुनिक तरीके से काम किया जाए उसका पूरा प्रशिक्षण दे काम करेगी और 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन उपलब्ध कराकर उनको इस योजना से जोड़ा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आजाद भारत के बाद पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी अनूठी योजना लाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।